हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 11.5 पर, क्वेश्चन नंबर है 50। कह रहा है कि इफ y इक्वल टू में एक्स साइन वाई, प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में वाई बाई में एक्स इंटू वन माइनस एक्स कॉस वाई। चलिए देखते हैं इसको हम लोग प्रूव करके। हमारे पास दिया है y इक्वल टू में है एक्स साइन वाई, तो इसमें लॉग लगा कर ही बनाते हैं बोथ साइड, या फिर आप डायरेक्ट भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर लिखते हैं पहले टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो यहाँ पर हो जाएगा लॉग वाई इक्वल टू में लॉग एक्स साइन वाई। चलिए अब इसके बाद देखिए क्या होता है। लॉग वाई इक्वल टू में यहाँ पर हो जाएगा आपका लॉग एक्स और प्लस का लॉग साइन वाई। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। लिखते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग वाई का वन बाई वाई और यहाँ वाई का डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स का वन बाई एक्स और इसे हो जाएगा वन बाई क्या हो जाएगा साइन वाई और इंटू में साइन का कॉस वाई और वाई का यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स। वाई को इधर लेके चलाते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं वाई इंटू में वन बाई एक्स प्लस। अब देखिए काम करते हैं यहाँ पर, वन बाई साइन वाई का यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं। वन बाई साइन वाई इक्वल टू में आप लिख सकते हैं, इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा आपका एक्स बाई में वाई। तो ये हो जाएगा एक्स बाई में वाई कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स। कोई दिक्कत नहीं है ना जी। चलिए अब एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में वाई बाई एक्स और प्लस का, इसमें से मल्टीप्लाई होगा वाई से वाई कट जाएगा, जाएगा आपका एक्स कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स। इसको इधर लेके आते हैं यहाँ पर, तो लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस का एक्स कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में वाई बाई एक्स। अब यहाँ पर देखिए हम लोग डी वाई बाई डी एक्स कॉमन कर लेते हैं तो वन माइनस का एक्स कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में y बाई एक्स। तो यहाँ से आपका डी वाई बाई डी एक्स जो आ जाएगा वाई बाई में x इंटू वन माइनस का x cos y। यही ना हमें प्रूव करना था, हमने प्रूव कर दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।